इसमें सबसे पहला क्या आएगा? बॉडी लैंग्वेज। जब हम बेच रहे होते हैं तो हमारी बॉडी हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, हमारा चेहरे का हाव भाव कैसा होता है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होती है, हमारी बातें कैसी होती है। सेकंड, प्रोडक्ट को हम किस तरीके से शो करते हैं, एक होता है लाया और दिखा दिया, और दूसरा होता है लाने से पहले प्रोडक्ट के बारे में दो अच्छी बातें बतानी है कि ये स्पेशल प्रोडक्ट है, स्पेशल लोगों के लिए है, आप हमारे स्पेशल कस्टमर है तो आपके लिए स्पेशल चीज लेकर आए, तरीका बदल जाता है। फिर क्या आएगा, कौन से शब्द हम यूज करते हैं, हम क्लोजिंग मांगते हैं कि नहीं, हम पेमेंट मांगते हैं कि नहीं, हम चीजों को क्लियर कट बताते हैं कि नहीं, बाद में कोई चीज बाकी तो नहीं रह जाती है, वो हमें क्लियर होना जरूरी है। फिर हमें बहुत ही बढ़िया ड्रेस कोड मिला है लेकिन उसको अच्छी तरीके से पहनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लास्ट में आएगा हाइजीन, मतलब हमारी खुद की क्लीनिंगनेस। कई बार हमें पता नहीं होता है, खास खास की बात बताओ, एज अ सेल्स पर्सन कई बार हमारी बॉडी में से कुछ स्मेल जाती है, हमें खुद को कभी स्मेल को पता नहीं चलती है, हमारे आजू बाजू वाले को पता चलती है, कई लोग जीवका निकाल देते हैं गलती से, उसकी स्मेल होती है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसके ऊपर ध्यान न रखने के कारण कस्टमर वहां से क्विट होता है, तो इतना नॉलेज हमें होना जरूरी है। क्लियर हो गया? सेल्स प्लानिंग, बेचने से पहले की तैयारी। जब हम बेचना स्टार्ट करते हैं तो बेचने से पहले हमें क्या तैयारी करनी होती है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, और जब अपने आप को प्रिपेयर करना है तो ये तीन चीजें करनी है। पर्सनलाइजिंग हमारा होना चाहिए, हमारे खुद का ड्रेसिंग, हम प्रेजेंस कैसे है वो पता होना चाहिए, और साथ में हमारा ड्रेसिंग, ये खुद को लेकर तैयारी हमें करनी है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास कस्टमर आता है तो पहले डील आपकी क्लोज नहीं हुई होती है तो आपकी एनर्जी हो गई होती है डाउन, और उसी टाइम पर एक अच्छा कस्टमर आपके पास प्रेजेंट होने कर आ जाता है और वहां पर आपकी एनर्जी आपको बरकरार रखती होगी, जो हम नहीं रख पाते क्योंकि माइंड में पूरा नीचे घूम रही होगी। उसके ऊपर प्रिपेयर करनी है, पहली हो गई हमारी खुद की तैयारी, अब आएगी कि हम जिस वर्क प्लेस के ऊपर है उसकी तैयारी, तो उस वर्क प्लेस के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो क्लीनिंगनेस, सारी चीजें क्लीनिंग होनी चाहिए, फिर प्रिपेयर करना है हमारे शॉप को, एरिया को, फ्लोर को और प्रोडक्ट को, कस्टमर के आने के पहले सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी लग रहा है सर पूरा 5 मिनट वेट करो। फिर क्या होना चाहिए, प्रॉपर हमारा प्रिपेयर हो जाना चाहिए पूरा का पूरा फ्लोर, जिसमें सारे एरिया, सारे डिपार्टमेंट और जितने सेशंस के अंदर अलग अलग लोग जो है वो सबके रेडी होने चाहिए। फिर सेशन वाइज अगर बात करें तो प्रिपेयर हमें करना है हमारी प्रोडक्ट, ब्रांड की हिस्ट्री, साइज और मटेरियल्स, जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट हमें साइज में पढ़ने वाले, और उसके बाद आएगा स्टॉक जो हमारा होता है वो अरेंज और प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, कलर कम्युनिकेशन का हमें ध्यान रखना है, स्टॉकिंग का ध्यान रखना है, मतलब सारी चीजें अपनी जगह अवेलेबल है वो हमें प्रिपेयर रखना है, क्या है हमारे पास क्या नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज आएगी कि सेल्स स्टार्ट करने से पहले हमें हमारा चेकलिस्ट तैयार करना है, और चेकलिस्ट के अंदर हमें क्या-क्या चीजों को चेक करना है, क्या हमें ध्यान रखना है। अभी तक सेल्स हुआ नहीं है, ये सेल्स होने के पहले की तैयारी है, हम सोचते हैं कि चलो आप रेडी आओ, तो बस वो नहीं होता, हर चीज चेक होने के बाद हम कस्टमर को रेडी करें। तो पहले क्या है, काउंटर जो हमारा है वो हमारा क्लीनिंग होना चाहिए, सेकंड हमें चेक करना है हमारे डिस्प्ले, ऊपर लग गए हैं वो हमें ध्यान करना है, चेक करना है, फिर चेक क्या करना है,
डिस्प्ले के ऊपर जितनी भी चीजें लगी है जो पॉइंट्स है वो सारे क्लियर है कि नहीं? गैस काउंटर हमारा रेडी है कि नहीं वो हमें चेक करना है। जो स्कीम या जो ऑफर हमारी अभी चल रही है उसके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि नहीं वो हमें पता करना है। लाइटिंग जो हमारी वर्क प्लेस के ऊपर है वो प्रॉपर ढंग से सेटअप है कि नहीं वो हमें ध्यान रखना है, कोई बिगड़ा हुआ तो नहीं है। जब हम शॉप में एंटर करते हैं तो फ्रेग्रेंस वो एक बढ़िया होनी चाहिए जहां से हमें एनर्जी मिले, कस्टमर को भी एनर्जी मिले। चेक करना है हमें प्राइस को, सिक्योरिटी टैग को कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना टैगिंग हुआ है कि नहीं, कहीं पर कुछ मिसिंग तो नहीं है वो हमें चेक करना है। यस्टरडे हमने क्या अचीवमेंट किया था और लास्ट सेल कौन जो हमारा सक्सेसफुल रहा था वो हमारे माइंड में घूमता रहना चाहिए। कहा जाता है सेल्स पर्सन जो सबसे अच्छा सेल्स करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ हमें बार बार सेल्स करना है, वो डाउन नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्या चीज हमें चेक करनी है, टुडेज टारगेट अवर डिपार्टमेंट, आज का हमारा टारगेट क्या है हमें पता होना चाहिए। फिर चेक करना है कि कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज हम दे सकते हैं वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास अभी अवेलेबल है कि नहीं और सब रेडी है कि। फिर प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो रेफरेंस होना चाहिए, रिफर होना चाहिए फिर से कि कौन सी चीज नहीं आई है, कौन सी नई प्रोडक्ट आई है और उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे पूरा नॉलेज है कि नहीं वो हमें पता होना चाहिए, चेक करना चाहिए। सो इतनी चीजें मैंने आपको बताई है जहां सेल्स स्टार्ट हुआ नहीं है उससे पहले की चीज है। क्लियर है क्या? इतनी तैयारी हम करते हैं आया ना? यस। सेल क्लोज करना है तो आपकी तैयारी सेल्स स्टार्ट होने से पहले हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग द सेल हमें क्या करना है, ये पहले की प्रिपरेशन होती है। क्लियर है यहां तक सबको? सब लोग एक साथ हैं? यस। यही पर है? यस। कोई अपने गांव अपने घर पहुंचने गया है ना? नहीं। कोई किसी की याद में तो नहीं है ना? नहीं। यार आपको याद आ रही है? ओके आगे बढ़ते हैं। अगर ये सेल्स जब हम कर रहे हैं उस टाइम पर हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, तो सेल्स जब हम कर रहे हैं तब हमें देखना है सबसे पहला ओपनिंग द सेल्स। सेल्स को ओपन हमें करना है और ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, ग्रीटिंग करना पड़ेगा कस्टमर को। क्या हम करते हैं? यस यस। लिसनिंग करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है कस्टमर की नीड को। नो डायरेक्ट सेल्स स्पीच, कई बार होता है तुमने सुझो ये बोलो ना डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट नहीं आना है, थोड़ा उसको रेडी करना है सेल्स करने के पहले, फिर आगे बढ़ना है। फिर आएगा हमें कई बार हम इंप्रेस कर देते हैं कस्टमर के ऊपर हावी हो जाते हैं स्टार्टिंग के अंदर ही, तो हमें हावी नहीं होना है, पोलाइट रहना है, सेल्स को हमें पुश नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि उसने सिलेक्ट किया, क्योंकि कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, कस्टमर खरीदता है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, तो हमें वो बेनिफिट्स उसको बेचने हैं ना कि प्रोडक्ट। नेवर इंटरप्ट कस्टमर, कई बार कस्टमर अपना माइंडसेट बनाकर आया हुआ होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है कि उसको क्या चाहिए और वो वही चीज आकर मांगता है, लेकिन हम ऐसा सोचकर कहते हैं कि मैं जिस सेगमेंट में हूं वही प्रोडक्ट मेरी बिकनी चाहिए, तो हम जबरदस्ती अपनी प्रोडक्ट उस पे आगे करना चाहोगे वो गलती भी नहीं करनी, उसको जो चाहिए वो उसको दो तो उसको मजा आएगा। क्लियर?